नमस्कार दोस्तों, हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही सरल सवाल। और सवाल देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। और समीकरण दिया हुआ दो कोष्टक अंदर ए एक्स माइनस बी वाई प्लस में कोष्टक अंदर है ए प्लस फोर बी बराबर जीरो, फिर दूसरा है दो कोष्टक अंदर बी एक्स प्लस ए वाई कोष्टक बंद है प्लस दूसरे कोष्टक अंदर है बी माइनस फोर ए बराबर जीरो। अब इसको करना है हल। तो देखिए बहुत ही सरल सवाल है ये देखिएगा कैसे इसको हल करना है। तो सिंपल सी बात है, इसको अंदर दो से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा दो ए एक्स माइनस दो बी बाई। और देखिए ये जो है इसको ऐसे ही लिख लेते हैं प्लस में ए प्लस फोर बी बराबर में जीरो। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसको तो हम यहाँ रोक लेंगे और इसको हम ले जाएंगे उधर, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा दो ए एक्स माइनस दो बी बाई बराबर में माइनस का ए माइनस का फोर बी, और ये हो गया हमारा समीकरण एक। सिंपल वही हल इसके साथ करेंगे, दो के साथ बी एक्स की गुणा तो हो जाएगा दो बी एक्स प्लस, ये प्लस है तो दो के साथ ए वाई गुणा तो हो जाएगा दो ए वाई फिर प्लस ए अंदर सेम प्लस से गुणा तो सेम ही संख्या रहती है यानी कि बी माइनस फोर ए बराबर में जीरो। इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसको ऐसे ही रोक लेंगे और इसको उधर भेज देंगे यानी कि दो बी एक्स प्लस दो ए वाई बराबर, ये देखिएगा b उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 4 है उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो पहले लिख देते 4a इधर हो गया 4a और ये b उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का b और ये हो गया समीकरण दो। अब देखिए इसको ध्यान से, चाहे इसको देख लो चाहे उसको देख लो, चित संख्याएं बराबर हैं है नहीं है भाई, इसमें b है इसमें a है, इसमें ए है इसमें बी है, तो हम इस वाली को बराबर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें बी है इसमें ए है तो इसमें कर देते हैं समीकरण एक में कर देते हैं ए से गुणा, समीकरण दो में कर देते हैं बी से गुणा, ठीक है। अब जब ये कर देंगे तो क्या होगा, तो अब देखिए जब गुणा करेंगे तो दो ए स्क्वायर एक्स, तो क्या हो गया दो ए स्क्वायर एक्स माइनस दो के दो बी वाई के साथ ए जुड़ा तो दो ए बी वाई हो जाएगा, दो ए बी बाई बराबर में हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का फोर ए बी, क्योंकि बी के साथ में ए लग जाएगा और ये हो गया हमारा समीकरण तीन। वही हाल इसके साथ करेंगे, बी सब में बढ़ेगा तो इसमें हो जाएगा दो बी स्क्वायर एक्स, दो बी स्क्वायर एक्स फिर प्लस का निशान दो, इसमें भी बढ़ेगा तो दो ए बी, दो ए बी बाई बराबर में इसमें ए बढ़ेगा तो फोर सॉरी बी बढ़ेगा फोर ए बी, तो हो गया फोर ए बी माइनस का बी और बी हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो गया हमारा समीकरण चार। अब देखिए लाइन खींच दी और अब देखिए क्या है, ये देखिएगा इसको हमने बराबर किया है। तो देखिए चिन्ह है अपोजिट, संख्याएं हैं बराबर, तो कभी भी ऐसा हो तो लिख दोगे जोड़ने पर, तो लिख दोगे समीकरण तीन व समीकरण चार को जोड़ने पर। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, तो दो ऐसे रहेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस दो ऐसे रहेगा बी स्क्वायर एक्स और ये तो पूरा कट गया बराबर में, देखिए माइनस का 4ab प्लस का 4ab ये कट गया, यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बचा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें मिल जाएगा दो कॉमन मिल जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मिल जाएगा, तो दो सॉरी ये नहीं मिलेगा दो एक्स मिलेगा, तो अंदर बचा ए स्क्वायर और क्या बचा प्लस का बी स्क्वायर बराबर में, इधर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बचा ए स्क्वायर और प्लस में बच गया बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब
क्या करेंगे, ये दो एक्स क्या खाली एक्स रोका, खाली एक्स लिया हमने रोक, और इधर क्या है माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और ये बटे में जाएगा, दो बटे में जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया बटे में। अब ध्यान से देखो, ये पूरा कोष्टक कट गया इतने इक्कन इतना, तो कितना आ गया x बराबर आ गया, ये माइनस का चिन्ह बचा और एक बटे दो बचा। ये समीकरण एक में क्या हो जाएगा, रखने पर समीकरण एक ये है देखो, तो दो a गुणा में x की जगह पे माइनस का एक बटे दो, तो माइनस का एक बटे दो, फिर माइनस का है बी वाई बराबर माइनस का ए माइनस का फोर बी, ये है ठीक है। अब देखिए ये दो कट गया, तो ए इक्वन ए माइनस का ए, तो माइनस का ए बचा, माइनस का दो बी वाई बचा बराबर माइनस का ए माइनस का फोर बी बचा। अब ये माइनस का ए उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का ए, तो माइनस का दो बी बाई बराबर इधर क्या था माइनस का ए माइनस का फोर बी, और ये माइनस का ए उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस ए, प्लस का ए माइनस कट गया, बचा माइनस का टू बाई बराबर माइनस का फोर बी। अब बाई हमको रोक लेना है, तो बाई हमने यहाँ पे रोक लिया बराबर, तो माइनस का फोर बी माइनस का फोर बी बटे में माइनस का टू बी माइनस का टू बी, तो माइनस माइनस गया बी बी गया, दो इक्कन दो, दो दूनी चार, तो बाई बराबर कितना आ गया दो। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः एक्स बराबर माइनस का एक बटे दो और बाई बराबर दो समीकरण के अभीष्ट हल होंगे। ये हो गया आंसर, कितना सरल था, छः नंबर में आएगा। तो अच्छा लगा हो सवाल तो लाइक शेयर कमेंट करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।